आज के क्लास का टॉपिक रहेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आखिर क्या होता है, पहले इसको डिफाइन करते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन का होता है। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर पार्टिकल किसका, तो नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल पर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी सॉल्यूशन का ऐसा प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स पे। ठीक है, अब ध्यान देना। अब यहाँ पे एक टर्म होगा, टर्म क्या लिया हुआ है, तो यहाँ पे एक आई जो जो हम लोग पढ़े थे वैन डेर वाल्स क्या होता है, मोल आफ्टर डिवाइडेड बाय मोल बिफोर। तो अगर हमको मोल आफ्टर पता करना है तो मोल आफ्टर क्या होगा, तो आई इंटू मोल बिफोर। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरीके से मोल आफ्टर पता कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल चार होता है। सॉल्यूशन का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का हम बात करते हैं तो टोटल चार होता है। तो चार क्या क्या होता है, तो आपको मैं मार्क कर रहा हूं। एक होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, अगला होता है इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी होता है जो कि डिपेंड करता है नंबर ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल्स पे। ठीक है, तो इसको वन बाई वन हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला हमको पढ़ना है, तो पहला हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये टॉपिक को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कवर कहाँ किए हैं, तो हम लोग जस्ट एक कल एक टॉपिक पढ़े थे जिसमें हम लोग पढ़े थे कि रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो वहां हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई सॉल्वेंट का प्रेशर पी नोट होता है, उसमें अगर हमको सॉल्यूट ऐड करते हैं जो कि नॉन वोलेटाइल होता है, तो प्रेशर कुछ घट जाता है, तो नया प्रेशर पी हो गया। तो पी नोट माइनस पी को बोला गया लोअरिंग, पी नोट माइनस पी को बोला गया है लोअरिंग वेपर प्रेशर। उसको जब डिवाइड कर देंगे पी नोट से, तो उस केस में ये पूरा टर्म हो जाता है रिलेटिव लोअरिंग। तो ये हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, हम लोग कल क्या सीखे थे, किसी भी सॉल्यूशन का जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल टू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होता है। तो उसको मैं ऐसा लिख सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो रेशियो हम लोग निकालना सीख चुके थे कल। तो हम लोग कल ये भी बताए थे कि जनरली क्या होता है, जनरली यहाँ पे ए सॉल्वेंट और बी सॉल्यूट है, तो जनरली क्या होता है सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होता है। तो चूंकि मोल ऑफ ए ग्रेटर देन मोल ऑफ बी होगा, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, बी के मोल को ए के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर बी के मोल को नेगलेक्ट करेंगे तो ओवरऑल इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये जो हम किए थे ये अप्रोक्सीमेशन के बाद ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर रहेगा। अब ध्यान देना, अगर आपका आपका सॉलिड पार्टिकल अगर डिसोसिएट करेगा तो एसोसिएट करेगा, उस केस में उसका नंबर चेंज करेगा। मान लो कि आप NaCl का एक मोल लेते हो, तो NaCl का एक मोल ब्रेक करता है Na plus Cl minus में, तो आपके पास जो पार्टिकल होगा एक मोल नहीं होगा, पार्टिकल हो जाएगा दो मोल। आप बिगिनिंग में सॉल्यूशन सॉल्वेंट में ऐड करो एक मोल NaCl, आप एक मोल NaCl ऐड किया, लेकिन आपके पास सॉल्यूशन में जाने के बाद पार्टिकल कितने किस्म होगा, दो में कन्वर्ट हो गया। यानी पार्टिकल का नंबर इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। इंक्रीज या डिक्रीज कब करेगा, जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा होगा। तो उसके लिए हम लोग को हमेशा देखना होता है कि सॉल्यूशन में कितना पार्टिकल है, आप कितना पार्टिकल ऐड किया उससे मतलब नहीं है, आपके सॉल्यूशन में कितना पार्टिकल है, आपके सॉल्यूशन में पार्टिकल मतलब फाइनल मोल कितना है। तो फाइनल मोल के लिए क्या करना पड़ेगा, इनिशियल मोल में आई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जस्ट हमें भी सीखे थे, कभी भी फाइनल मोल कैसे निकालते हैं, तो आई इंटू इनिशियल मोल। तो यहाँ पे आपका फाइनल पार्टिकल का नंबर क्या होगा, तो अगर आपका पार्टिकल एसोसिएट या डिसोसिएट करेगा तो उसमें एक आई मल्टीप्लाई करेंगे। तो जहां जहां सॉलिड का पार्टिकल्स होगा उसमें आई मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो आपको ये आपको प्रिकॉशन लेकर चलना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर आई दिया है तो आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जनरली जो सॉलिड पार्टिकल है सॉल्वेंट से बहुत कम होता है, तो मोल ऑफ ए के रिस्पेक्ट में हम आई इंटू एन बी को नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो रेशियो को हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, एक ए इसमें एक अप्रोक्सीमेशन किया गया है। अप्रोक्सीमेशन क्या किया गया है कि सॉल्वेंट का अमाउंट सॉलिड से काफी ज्यादा है, उस केस में आप ऐसा कर सकते हो। इवन आप लोगों को कल हम बता चुके थे कि अगर नीचे में अगर पी नोट माइनस पी डिवाइड बाई पी कर देंगे, उस केस में इस रेशियो को आप सिंपली लिख सकते हो मोल ऑफ बी बाई मोल ऑफ ए। आप लोग कल हम बताए थे कि अगर यहाँ पे पी नोट बाई पी, यहाँ पे पी नोट ना हो, यानी पी नोट माइनस पी डिवाइड बाई पी कर दें, उस केस में आप मोल ऑफ बी बाई मोल ऑफ लिख सकते हो। ठीक है,
और यहाँ पे आई मल्टीप्लाई कर दिया गया है। आई से मल्टीप्लाई किया गया है क्योंकि सॉलिड का पार्टिकल आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन एब्सॉर्प्शन कितना होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आई डाल दिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आई दिया रहेगा तो यहाँ पे आई मल्टीप्लाई करके यूज करना आपको, इतना क्लियर रहेगा। आपका अब नेक्स्ट क्वालिटी प्रॉपर्टी होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं। तो ध्यान देना, आपके पास एनचेट में ग्राफ दिया होगा, आपके पास एनचेट में ग्राफ दिया होगा। ठीक है, इस ग्राफ में आपके सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ये है एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो जनरली एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, 180 मानते हैं हम लोग। इवन एटमोस्फेरिक प्रेशर चेंज भी करेगा, आप हाइट ऊपर जाओगे तो बढ़ेगा और ज्यादा अगर ज्यादा डीप में जाओगे तो अगर हाइट ऊपर जाओगे तो एटमोस्फेयर प्रेशर घटता है। तो 180 जनरली होता है उसको लेके यहाँ से जाया हुआ है। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। तो ऐसा बोला गया है, अगर आप और आप लोग हम पढ़ चुके हो कि किसी भी वोल्टाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ पे एक्सेसिस पे टेम्परेचर है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपका वेपर प्रेशर भी क्या इंक्रीज करेगा। तो ध्यान देना, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का लाइन है, ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का लाइन है। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट करेगा। बढ़ते 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 एक ऐसा पॉइंट अचीव करेगा जब इसका वेपर प्रेशर इस एटमोसफियर जो एटमोसफेयर का प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एटमोसफेयर प्रेशर का जो कांस्टेंट लाइन है ये किसी भी मतलब ये एटमोसफेयर प्रेशर ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, किसी भी हाइट के लिए कांस्टेंट होता है। इसका जनरल जो सी वैल्यू पे सी पॉइंट पे इसका वैल्यू लिया गया 180। तो 180 तो ये जो हम लोग सीख रहे हैं 1A सी पॉइंट के लिए। अगर आप बहुत हाइट पे चले जाओ तो एटमोसफेयर प्रेशर भी चेंज कर जाएगा। हम ऐसा बोल सकते हैं किसी भी हाइट के लिए कांस्टेंट होगा। तो जनरली हम इसको मानते हैं 180, मतलब हम लोग जो ग्राउंड लेवल पर जो रहते हैं उसके लिए 180 में माना गया है। हम बोला जा रहा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ना स्टार्ट करेगा। जिस पॉइंट पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इस प्रेशर को मैच करेगा उस पॉइंट को बोला गया बॉइलिंग पॉइंट। यानी बॉइलिंग पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहां पर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ठीक है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर को मैच करेगा, उसको बोला गया है बॉइलिंग पॉइंट। यानी उस पॉइंट पे आपका सॉल्वेंट क्या होगा, बॉइल करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे आप सॉल्वेंट में डालोगे कोई सॉल्यूट, और सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल। तो हम लोग जस्ट अभी पढ़े हैं कि सॉल्यूट को ऐड करने से आपका प्रेशर, आपका सॉल्वेंट का प्रेशर क्या होता है, घट जाता है। सॉल्वेंट का जो प्योर प्रेशर है अगर उसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो तो अब जो नया प्रेशर पी बोलते हैं, और जो नया प्रेशर पी होगा उसका वैल्यू पी नोट से क्या होगा, छोटा होता है। तो सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट कंपोनेंट होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, पहले के रिस्पेक्ट में घट जाएगा। कब घटेगा, जब कुछ आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हो। तो याद है ना, अगर आपके सॉल्वेंट में कुछ हम सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो वेपर प्रेशर कुछ घट जाएगा, तो सॉल्यूशन का जो लाइन होगा वो किसी भी टेम्परेचर पे सॉल्वेंट से नीचे रहेगा। तो अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ेगा जस्ट लाइक सॉल्वेंट, लेकिन थोड़ा सा नीचे रह के बढ़ेगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लाइन जब कट करेगा एटमोस्फेयर प्रेशर को तो उस पॉइंट पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। तो हम क्या देख रहे हैं कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट टीबी नोट है। तो सॉल्यूशन उसका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या, टीबी है। तो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में क्या, बढ़ा के घटा, तो बढ़ गया। ठीक है, ये जो इंक्रीज है इस इंक्रीज को बोलते हैं कि एलिवेशन। ठीक है, कितने से एलिवेट किया है, तो ये जो डिफरेंस है इस डिफरेंस को बोला गया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो जब भी आप कोई कुछ पार्टिकल ऐड करते हो सिस्टम में, कैसा पार्टिकल, नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल, तो आपका बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन क्या क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। बस इंक्रीज हुआ डेल्टा टीबी, इसको बोला गया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको बोला गया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको रिलेट कैसा किया गया है, तो ध्यान देना, तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में क्या बोला गया कि ओरिजिनली सॉल्वेंट का वेपर टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट था टीबी, और आपका सॉल्यूशन का हो चुका है टीबी डैश, सॉल्वेंट का टीबी और सॉल्यूशन का टीबी डैश। तो टीबी डैश का वैल्यू टीबी से क्या बड़ा है, तो डेल्टा जो डिफरेंस है उसको बोला गया है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, तो जो जितना पार्टिकल आप ज्यादा डालोगे, मतलब मान लो पार्टिकल का नंबर बढ़ाते जाओगे तो उतना ही आपका टीबी डैश क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। जितना पार्टिकल का नंबर बढ़ाओगे उतना ही टीबी डैश बढ़ेगा, उतना ही डेल्टा टीबी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो टीबी या डेल्टा टीबी
proportional to number of particles, TB, TB या डेल्टा TB proportional to क्या होता है? Proportional to होता है number of particles. जितना ज्यादा particles में add करोगे उतना ही आपका क्या होगा? Boiling point या फिर elevation boiling point क्या होता है? Increase करेगा. क्या करेगा? Increase कर जाएगा. तो यहाँ पे link क्या हुआ है कि TB या डेल्टा TB proportional to number of particles. तो number of particles क्या है? तो मोल ऑफ पार्टिकल इनटू आई, आई मतलब वेंट ऑफ फैक्टर, मतलब वेंट ऑफ फैक्टर मतलब अगर पार्टिकल टूटेगा तो उसको कंसीडर कर लेगा. जैसे मान लो NaCl है, NaCl का एक मोल में टोटल पार्टिकल कितना बनेगा? दो बनेगा. NaCl का वेंट ऑफ फैक्टर टू होता है, NaCl के लिए आई अगर टू होगा तो यहाँ पे टू इंटू वन कर देंगे. तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितना मोल ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का मोल लिए हो उसमें उसका आई मल्टीप्लाई कर देना, ताकि पार्टिकल एसोसिएट या डिसोसिएट करेगा तो उसको कंसिडर में आप कर सकते हो. ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला निकाला गया है. तो फॉर्मूला क्या है? ये तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन दिया हुआ है. एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है कि डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है? केबी, केबी इनटू आई इनटू एम, एम मतलब मोलालिटी, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, तो यहाँ जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला है, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी आई एम, एम मतलब मोलालिटी, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट. तो मोलालिटी के अंदर क्या होता है? तो मोलालिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. तो मोलालिटी के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल का नंबर ऑलरेडी आ चुका है, जो कि हम बोल रहे थे कि डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? पार्टिकल का नंबर. तो मोलालिटी के अंदर केबी कांस्टेंट है और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी क्या होता है? जनरली कांस्टेंट. तो मोलालिटी के अंदर क्या होगा? पार्टिकल का नंबर कंसिडर हो चुका है. ठीक है, यहां तक अब ध्यान देना. जो केबी है, केबी तो केबी जो होता है, केबी के लिए फॉर्मूला दे गया. तो केबी का एक फॉर्मूला क्या होता है? तो ध्यान देना, तो केबी एक सॉल्वेंट का होता है. केबी हमेशा सॉल्वेंट के डिफाइन किया जाता है. तो केबी क्या होता है? आर, आर मतलब रियल गैस कांस्टेंट, टीबी, टीबी स्क्वायर मतलब सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट. जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100. तो हाँ, ये होगा सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट. तो और एम होगा मोल ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, उसको ग्राम में लेना, मोल ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, डिवाइडेड बाई 1000. और यहाँ पे एलवी, एलवी मतलब लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा जूल में. ठीक है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं. केबी के लिए फॉर्मूला डिफाइन किया गया आर, आर मतलब गैस कांस्टेंट, इसका वैल्यू होगा 8.314 लोगे. टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, किसका? प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट लोगे. ठीक है, और जब बॉइलिंग पॉइंट लोगे तो उसको लेना है केल्विन स्केल में. एम होगा सॉल्वेंट का मोलर मास, एम होगा सॉल्वेंट का मोलर मास ग्राम में. ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000. ठीक है, और यहाँ पे होगा लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एलवी मतलब लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन किस में लोगे? जूल में लोगे. इसे आप केबी निकाल सकते हो. और आपको जनरली केबी निकालने में क्वेश्चन नहीं रहता है, तो केबी आपको क्वेश्चन में दिया रहता है जनरली. ठीक है, और केबी का जो वैल्यू होता है वाटर के लिए, केबी का जो वैल्यू होता है वाटर के लिए, वो आपको याद रखना है, क्योंकि जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा था जिसमें केबी ऑफ वाटर नहीं दिया हुआ था. तो जो कि अगर केबी ऑफ वाटर नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं बनेगा. तो आप लोग जो नॉर्मली हम लोग सॉल्वेंट क्या लेते हैं? वाटर. तो वाटर केबी को आप याद कर लो, केबी ऑफ वाटर इज 0.512. ठीक है, क्योंकि इस पे जेईई मेन 2017-18 में क्वेश्चन पूछा था जहां पे केबी का वैल्यू नहीं दिया था. बिना केबी के वैल्यू क्वेश्चन बनेगा नहीं. ठीक है, जनरली ऐसा नहीं करता है, बट कभी कभी ऐसा कर देता है. ठीक, इतना क्लियर रहेगा. तो ये था. अब ध्यान देना केबी का नाम क्या होता है. तो केबी का नाम ध्यान देना, केबी का नाम से भी क्वेश्चन आता कभी कभी. तो केबी को क्या बोला गया? तो केबी को बोला गया है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट. ठीक है, या केबी का एक और नाम बोला गया है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर केबी को बोला गया है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट. ठीक है, तो केबी का अलग अलग नाम है. तो ये कभी कभी नाम भी देता है, उसे क्वेश्चन आता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या बोला गया है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट. ठीक है, तो जैसे आपका बोर्ड में पूछा हुआ है कि इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, ध्यान देना. अगर आपको डिफाइन करना होगा कि केबी को डिफाइन करना हो तो क्या बोलोगे आप? कि अगर आपका सॉल्यूशन वन मोलल होगा तो केबी इक्वल टू डेल्टा टीबी, केबी इक्वल टू डेल्टा टीबी व्हेन सॉल्यूशन इज वन मोलल. अगर मोलिटी को अगर वन कर दो उस पॉइंट पे क्या होगा? केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी. तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो केबी मीन्स मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, या फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट, या फिर इबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू डेल्टा टीबी व्हेन सॉल्यूशन इज वन मोलल, वन मोलल सॉल्यूशन. ठीक, तो हमारा नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगा, हमारा नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगा
डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट. नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज डिप्रेशन इज फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ने से पहले हमको डिफाइन करना पड़ेगा फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है. ठीक है, ध्यान देना. फिर से आप एनसीईआरटी पे आओ. एनसीईआरटी में एक ग्राफ दिया होगा. ठीक है, तो ध्यान दोगे यहाँ पे आपके वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर को प्लॉट किया गया है. वाई एक्सिस पे क्या प्लॉटेड है, वेपर प्रेशर प्लॉटेड है और एक्सिस पे टेम्परेचर है. ठीक है, तो आपका जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट का अपना एक वेपर प्रेशर होता है. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सर वेपर प्रेशर बढ़ेगा. और टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या होगा, सर वेपर प्रेशर घटेगा. जिससे सॉल्वेंट का अपना एक वेपर प्रेशर होता है, जब सॉल्वेंट फ्रीज होगा तो उसका क्या होगा, फ्रीज करने से कौन सा स्टेट में चलेगा, सॉलिड. तो आपके सॉलिड, आपका जब सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में होगा तब भी उसका अपना एक वेपर प्रेशर होता है. जैसे आप अगर फ्रीजर को खोलोगे तो फ्रीजर में अगर आइस रखा होगा, ध्यान देना, आइस में देखना, आइस के आसपास भी वेपर का फॉर्म बना हुआ रहता है. हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपका फ्रोजन सॉल्वेंट है तो फ्रोजन सॉल्वेंट का भी अपना एक वेपर प्रेशर होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ब्लू लाइन है उसमें क्या सॉल्वेंट का वेपर फ्रोजन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्लॉट किया गया है. ठीक है, और यहाँ पर जो ऑरेंज लाइन है इसमें क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर प्लॉट किया गया है. जिस पॉइंट पे दोनों का वेपर प्रेशर आपस में मैच करता है, जिस पॉइंट में मैच करता है उस पॉइंट को बोला गया है फ्रीजिंग पॉइंट. यानी जिस पॉइंट पे लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और फ्रोजन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वलाइज करेगा उसको बोला गया है फ्रीजिंग पॉइंट. यानी इस पॉइंट पे आपका लिक्विड फ्रीज करना स्टार्ट करता है. ठीक है, इतना क्लियर रहेगा. अगर होता क्या है कि अगर आप सॉल्यूशन बना दो, तो अगर सॉल्वेंट में और कुछ ऐड कर देंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा. तो सॉल्यूशन बनाने से क्या होता है, आपका वेपर प्रेशर क्या होता है, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कुछ कम हो जाएगा. तो अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कुछ कम हो जाएगा तो ए लाइन सॉल्वेंट से नीचे रहेगा. तो अब ए लाइन जब नीचे जब टेम्परेचर तुम घटाओगे तो नीचे खींचेगा. तो ध्यान देना, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. तो आपका जो फ्रीजिंग होता है सॉल्यूट का कभी नहीं होता है, फ्रीजिंग हमेशा होता है सॉल्वेंट का. तो जब सॉल्यूशन का जब तुम का टेम्परेचर घटाओगे, इसका वेपर प्रेशर घटते 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 जिस पॉइंट में फ्रोजन सॉल्वेंट से टच करेगा उस पॉइंट में इसको उस पॉइंट का जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं, ये पॉइंट होता है फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन. जिस पॉइंट पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फ्रोजन सॉल्वेंट से अगर मैच करेगा उस पॉइंट पे उसको बोला गया है, ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन. तो हम क्या देख रहे हैं, जब तुम लिक्विड में अगर तुमको सॉल्यूट ऐड करते हो तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, लिक्विड सॉल्वेंट से कुछ और पीछे चला जाता है. तो ये इसको बोला गया है, तो ये बोला तो इसको बोला गया, तो यहाँ जो डिफरेंस है उसको बोला गया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है आप लोग को. अब ध्यान देना, जितना जितना आपका सॉल्यूट का नंबर बढ़ाओगे, यानी जितना सॉल्यूशन में सॉल्यूट बढ़ेगा उतना ही ये नीचे जाएगा, और जितना नीचे जाएगा उतना ही क्या है, उतना ही आपका फ्रीजिंग पॉइंट और कम होगा. जितना पार्टिकल बढ़ाओगे उतना फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, यानी डेल्टा टी एफ डैश घटते जाएगा. बट जितना जितना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा उतना ही जो डेल्टा टी एफ है उतना ही बढ़ेगा. यानी ऐसा बोल सकते हैं कि जितना पार्टिकल हम ज्यादा ऐड करेंगे सॉल्यूशन में उतना ही सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, डिप करेगा. लेकिन जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा. हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पे क्या देखे थे, पार्टिकल ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता था, और बॉइलिंग पॉइंट जब बढ़ता था तो आपका डेल्टा टीबी भी इंक्रीज करता है. बॉइलिंग पॉइंट अगर बढ़ेगा तो आपका डेल्टा टीबी भी क्या होगा, बढ़ेगा. बट यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगर पार्टिकल का नंबर बढ़ाओगे आप तो आपका फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, और फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा तो जो डिफरेंस यानी जो गैप है वो इंक्रीज करेगा, यानी डेल्टा टी एफ इंक्रीज करेगा. ठीक है, तो इसको अगर हम थियोरिटिकली देखें तो ध्यान देना, डिप्रेशन फेज पॉइंट का ग्राफ दिया जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जस्ट. तो डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी आई इंटू एन सेम एन, जो नया फ्रीजिंग पॉइंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. क्यों, जितना पार्टिकल बढ़ाओ होते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घटता है. नंबर ऑफ पार्टिकल या फिर जो डेल्टा यानी नया फ्रीजिंग पॉइंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा नंबर ऑफ पार्टिकल के. इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ का फॉर्मूला सेम रहेगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होगा, के एफ. ठीक है,
इक्वल टू आई, आई मतलब वैन डेर फैक्टर, और यहाँ एम क्या है, मोलिटी ऑफ सोल्यूट, और जो केएफ होता है वाटर का, तो वाटर का केएफ क्या होता है 1.86, आप याद रखना ठीक है। और यहाँ भी क्या है, केएफ का रिलेशन सेम रहेगा, केएफ कैसे, केएफ का फॉर्मूला क्या है, आर गैस कॉन्स्टेंट, टीएफ मतलब सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, उसका स्क्वायर कर देना है, एम मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में बाय 1000, और यहाँ पे एलएफ क्या है, तो एलएफ है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ फॉर्मूला, जो केएफ का फॉर्मूला होता है आर, आर मतलब गैस कॉन्स्टेंट, वैल्यू क्या लोगे 8.314 लेना, टीएफ मतलब टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, किस में लोगे केल्विन स्केल में, उसका स्क्वायर करना है, एम क्या होगा, एम होगा आपका मोलर मास किसका, सॉल्वेंट का, किस में, ग्राम में, डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय 1000, एंड एलएफ क्या है, एलएफ है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, किसका, सॉल्वेंट का, ये आपका फॉर्मूला रहेगा ठीक है। क्या क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि NaCl है, L2SO4 होल थ्राइस है, C6H12O6 है, C12H22O11 इन शुगर है, कैल्शियम क्लोराइड है ठीक है। तो ध्यान दोगे जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसोसिएट नहीं करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेंट ऑफ नहीं एसोसिएट करता है, नहीं डिसोसिएट करता है, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेंट ऑफ फैक्टर हमेशा 1 मानते हैं ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेंट ऑफ फैक्टर क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। और आयनिक कंपाउंड दिया रहे तो आयनिक कंपाउंड मेरे कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कुछ नहीं दिया है, तो जितना आयन प्रोड्यूस करेगा उसको उसका वेंट ऑफ फैक्टर बोल देंगे, यानी उसमें उतना पार्टिकल जनरेट हो सकता है ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 कंपोनेंट्स है, सबका मोलरिटी दिया हुआ है, तो मोलरिटी क्या दिया हुआ सबका, ध्यान देना NaCl का मोलरिटी 1 दिया हुआ है, L2SO4 हाल थ्राइस का मोलरिटी कितना दिया, 2/5 दिया हुआ है, C6H12O6 का मोलरिटी कितना दिया, 2 दिया हुआ है, और अगला पॉइंट है C12, इसका मोलरिटी 2, और इसका मोलरिटी 2/3 दिया हुआ है ठीक है। सबका वॉल्यूम है, और सारे कंपाउंड का जो वॉल्यूम है 1111 दिया हुआ है ठीक। आपसे बोला क्या गया है, आपसे बोला गया है कि सारे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट में क्या रिलेशन होगा, बॉइलिंग पॉइंट या डेल्टा टीपी का रिलेशन क्या होगा। तो देखो कैसे इसको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, तो मोलिटी वॉल्यूम पता है तो हम पहले मोल निकालते हैं, तो मोल क्या होगा इसका 1 × 1, मोलिटी इंटू वॉल्यूम क्या था मोल, NaCl का मोल 1 है, L2SO4H3 का मोल कितना होगा, तो मोलिटी इंटू वॉल्यूम कितना होगा, 2/5 होगा, इसका 2 होगा, इसका मोल 2, इसका मोल 2/3 है ठीक है। ये मोल ऑफ पार्टिकल्स निकल चुका है, अब सॉल्यूशन में जब डालते हैं तो हमको कंपाउंड से मतलब नहीं है, हमको मतलब पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल्स आपको मतलब होगा, तो NaCl का आई कितना होगा 2, तो टोटल पार्टिकल कितना होगा सिस्टम में, तो इसका मोल अगर 1 होगा तो पार्टिकल कितना होगा 2 होगा, L2SO4 होल थ्राइस में का मोल 2/5 है तो पार्टिकल का नंबर कितना होगा, तो इसमें हमको पता है इसमें आयन कितना है, 5 आयन है, एक में से 5 पार्टिकल निकलेगा, 2/5 में से कितना होगा, 2/5 5 × 5 कर दो तो क्या होगा, कितना निकलेगा, 2 मोल निकलेगा, यानी NaCl से भी नेट पार्टिकल कितना 2, L2SO4H3 से भी क्या होगा 2 निकलेगा। अब देखो जो ग्लूकोज है 6H12O6 ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका वैन डेर फैक्टर क्या होता है 1 होता है, इसमें टूटेगा ना जुड़ेगा, इसका मतलब इसका 2 मोल है तो नेट पार्टिकल भी कितना होगा सोल्यूशन 2 ही मोल रहेगा। शुगर भी क्या होता है, शुगर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका भी 2 मोल होगा तो नेट सॉल्यूशन में कितना होगा 2 मोल होगा, और कैल्शियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है तो उसमें कितना आयन प्रोड्यूस होता है 3 आयन प्रोड्यूस होता है, आपका नेट कितना पार्टिकल बनेगा 2/3 × 3 कितना होगा 2 होगा। तो आप देख रहे हो कि हर सॉल्यूशन में पार्टिकल का नंबर क्या है सेम है, अगर सॉल्यूशन में पार्टिकल का नंबर सेम रहेगा तो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगा सेम रहेगा। तो इन सारे का जो नया बॉइलिंग पॉइंट या फिर जो डेल्टा टीवी है सबके लिए क्या रहेगा सेम रहेगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड किस पे करता है पार्टिकल के नंबर पे, पार्टिकल के टाइप पे डिपेंड नहीं करता है, तो पार्टिकल का नंबर अगर सब में सेम है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या रहेगा सेम रहेगा, यानी डेल्टा टीवी या टीवी डैश ऑफ दिस सॉल्यूशंस आर इक्वल। ये JMN में पूछा हुआ क्वेश्चन है, JMN में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ था ठीक है। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं कि अगर सारे सॉल्यूशन का मोलिटी अगर 1 दिया रहता, सारे सॉल्यूशन का मोलिटी 1 रहता तो ऑर्डर क्या होता, सोच पाएंगे क्या, अभी सबका मोलिटी अलग अलग लिया हुआ था, अगर हम बोले कि सारे सॉल्यूशन का मोलिटी अगर 1 कर देंगे तो आंसर क्या होगा, तो जो 1 कर दोगे तो अगर सबका मोलिटी 1 है तो इसका पार्टिकल कितना हो जाएगा, इसका पार्टिकल 2 हो जाएगा, इसका पार्टिकल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसका पार्टिकल कितना हो जाएगा 1, इसका पार्टिकल 1, इसका पार्टिकल 3 ठीक है। सारे का अगर मोलिटी 1 है तो सबसे ज्यादा पार्टिकल किसमें, इसमें 5 पार्टिकल,
सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉलिंग पॉइंट इसका होगा, इवन डेल्टा टीवी भी हाईएस्ट इसके लिए होगा, फिर क्या होगा इसका, और फिर एनएचएल का, और लास्ट में इन दोनों का इक्वल होगा क्योंकि पार्टिकल नंबर दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो उसी को यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है। सर थोड़ा फिर से बता रहे बच्चा, अगर क्वेश्चन में हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, इसमें क्वेश्चन में चेंज करने बोल रहे थे, ठीक है। चेंज क्या करने बोला गया है कि अगर आपका मोलरिटी सबका 1 मान लेते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, ध्यान देना। अगर मोलरिटी सबका 1 मान लोगे तो सबका मोल भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 मोल में NaCl का कितना पार्टिकल होगा, 2 पार्टिकल होगा। 1 मोल ऑफ Al2SO4 होल सेल में कितना पार्टिकल होगा, 5 पार्टिकल होगा, ठीक है। 1 मोल ऑफ C6H12O6 में कितना पार्टिकल होगा, 1 पार्टिकल। इवन C12H22O11 में भी क्या होगा, 1 मोल में 1 पार्टिकल होगा। और कैल्शियम क्लोराइड में 1 मोल में कितना पार्टिकल होगा, 3 मोल पार्टिकल होगा। तो आप देख रहे हो पार्टिकल का नंबर सबसे हाईएस्ट किसमें है, Al2SO4 होल थ्रेस में। जिसका पार्टिकल नंबर हाईएस्ट होगा उसका बॉलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा, इवन उसका डेल्टा टीबी भी हाईएस्ट होगा। तो पहला ऑर्डर किस में अल्मोनियम सल्फेट होगा, सेकंड में कैल्शियम क्लोराइड होगा, थर्ड में NaCl होगा, और उसके बाद जो ग्लूकोज एंड सुक्रोज है दोनों क्या होगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत यहां तक किसी को इक्वल नहीं सर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है NaCl, ये सारे यहाँ पे कंपाउंड्स है। अब ध्यान देना यहाँ जो इस जो K4 एफिशिएंसी है ना, तो K4 एफिशिएंसी में ब्रैकेट के अंदर का पार्ट को ब्रेक नहीं करोगे तो इसमें कितना पार्टिकल टोटल होगा, 5, ठीक है। इसका आई कितना लोगे, 5। यहाँ जो है Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, इसमें ब्रैकेट के अंदर का पार्ट नहीं टूटेगा तो इसमें कितना आयन टोटल निकलेगा, तो Fe बाहर, यहाँ पे जो Fe है इसका 4 पार्टिकल निकलेगा, और यहाँ जो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट का कितना पार्टिकल, 3 पार्टिकल है, तो इसका आई कितना हो जाएगा, टोटल 7 हो जाएगा। इसका आई कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला गया है कि इन सब का मोलरिटी 1 माना गया है, तो बोला गया है कि इनका डेल्टा TF का ऑर्डर क्या होगा, यानी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ऑर्डर क्या होगा, और TF' यानी नया फ्रीजिंग पॉइंट किसका हाई होगा, ठीक है। तो ध्यान देना आप पार्टिकल का नंबर निकाल लेना, जिसका पार्टिकल का नंबर ज्यादा होगा उसका डेल्टा TF क्या होगा, हाई होगा। और ध्यान देना यहाँ पे डेल्टा TF और TF' में इनवर्स का रिलेशन है, कि जितना डेल्टा TF बढ़ेगा उतना ही TF' क्या होगा, घटेगा। तो जिसका पार्टिकल ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, लोअर होता चला जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर पूछेगा कि किसका फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट है, यानी किसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसका पार्टिकल का नंबर कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। इसको आप अरेंज करोगे तो सबसे ज्यादा पार्टिकल किसमें दिख रहा है आप लोग को, पार्टिकल हमको इसमें दिख रहा है 7 पार्टिकल, ठीक है। 7 के बाद यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, तो ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखोगे 2, सॉरी इसमें फिर 3, फिर 2, फिर 1-1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसको ऐसा अरेंज कर सकते हैं। अच्छा ध्यान देना यहाँ पे एक कंपाउंड लिया हुआ C3COH लिया हुआ है, ठीक है। एसिटिक एसिड का 1 मोल में हमको पता है कि एसिटिक एसिड पार्शली डिसोसिएट करता है, फुली नहीं पार्सली। तो पार्सली डिसोसिएट करने का मतलब है उसका जब वो कंपाउंड ब्रेक करेगा तो क्या बनेगा, C3CO-H+। उसका जो आई होगा वो 1 से ज्यादा होगा, 1 से ज्यादा मतलब इसमें पार्टिकल नंबर 1 से ज्यादा होगा, इसलिए इसको जब अरेंज करेंगे तो सबसे हाईएस्ट डेल्टा TF किसका होगा, सबसे हाईएस्ट डेल्टा TF होगा इसका यहाँ पे Fe4 FeCN होल साइज का होल थ्रीज। उसके बाद होगा K4 FeCN6 एंड Al2SO4 होल थ्रीज, उसको इक्वल करना। फिर होगा CSL2 का, फिर होगा NaCl का, उसका होगा C3COH का, क्योंकि इसका पार्टिकल नंबर 1 से ज्यादा होगा, 2 तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि ये जो फ्लाइट है व्हीकल फ्लाइट है, और लास्ट में लेना C12H22O11 यानी सुक्रोज को, ये लास्ट होगा आपका ऑप्शन, ठीक है। ये हो जाएगा डेल्टा TF का ऑर्डर। और आपसे पूछेगा TF' का ऑर्डर क्या होगा, तो जिसका पार्टिकल ज्यादा होगा उसका TF' कम होगा, यानी उतना डिप करेगा। तो अगर कभी तो अगर पूछता है कि इसमें हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, हाईएस्ट, तो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा इसमें जिसका पार्टिकल सबसे कम होगा, पार्टिकल कम किसका है, सुक्रोज का। तो सुक्रोज सॉल्यूशन का हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट होगा। अब बोलेंगे लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, जिसका पार्टिकल हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट पार्टिकल किसका होगा, Fe4 FeCN6 होल थ्रेस का,